कर रहा हूँ, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर, एज ऑल थिंग्स ऑफ मेरे माय प्रोफेशनल एजुकेशनल करियर, एज मेंशन सीवी, अपार्ट फ्रॉम माय सीवी, आई एम वेरी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिकल एंड वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, एज अ सर्व फॉर स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी, हेड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी फॉर 2 इयर्स एट माय कॉलेज लेवल, एंड आई एम आल्सो द लीडर ऑफ डीएलएल कमिटी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। माई नेम इज जय, ठीक है। फुल नाम का माई नेम इज सी एम ए जय, का इटली में कोई याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल सी पे आई हैव डन फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, ठीक है। चाहे तो लिख लीजिए जल्दी से, याद रहेगा, ठीक है। पॉइंट्स बना लीजिए जल्दी जल्दी। माई नेम इज, लिखते रहिए एक पॉइंट, हाँ पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, माई नेम इज जय, आई हैव डन आर्टिकल सी फ्रॉम एक्सरसिट फर्म। इन माई आर्टिकल सी आई हैव डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, ठीक है। टैक्स ऑडिट कॉस्टिंग, ठीक है। समझ गए, नहीं यहाँ तक इजी है, यहाँ तक तो। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन अ कंपनी एज दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज, दिख रहे हैं ना जय, ठीक है। एंड द हाँ सर, प्रोफाइल इज थैंक वेरी, हाँ एंड प्रोफाइल इज इंटरेस्टिंग एंड द लोकेशन इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, सो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। आप लोग भी लिख लीजिए निधि, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए निधि और निकिता, हो सके तो, ठीक है। हाँ वो रही, एंड द लोकेशन इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है। द लोकेशन इज वेरी, आप भी निधि ऑन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। लोकेशन इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट फॉर मी एंड आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आई कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन योर कॉम्पनी, ठीक है। एंड प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट मी, ठीक है। मोटा मोटी एक बार बोलिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बोलिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। माय नेम इज जय, आई हैव टेकन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम एमएल लबाड़ा इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर, फ्रॉम देयर आई हैव डन वर्क इन कॉस्टिंग, इंटरन ऑडिट, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, एंड वी हैव टेकन देयर मेजर मेजर डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्टिंग वर्क, एंड आई वांटेड टू जॉइन द कंपनी बिकॉज दिस इज माय ड्रीम कंपनी, एंड द लोकेशन इज वेरी कन्वीनियंट टू मी, and I want to upskill my knowledge with the help of the job description provided by you, and this will help me in a long term. ठीक है, व्हाट व्हाट इज अक्रूअल, Accrual means due, ओके ओके outstanding. नेक्स्ट, व्हाई शुड वी हायर यू। As I am a fresher, I have with some lots of theoretical knowledge, and I wanted to apply it in a practical scenario. I think this will help the company to become growth, helping at the growth of a company. That's it. इसका तो आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आई फील आई हैव द रिक्विजिट स्किल एक्सपीरियंस, आई फील आई हैव द रिक्विजिट स्किल एंड एक्सपीरियंस फॉर द जॉब रोल एंड डोमेन, एंड आई एम वेरी पैशनेट टूवर्ड्स दिस कंपनी, एंड इन केस, इजी लाइंस है, इन केस आई ज्वाइन योर कंपनी आई एड बी गिविंग माई 100% फॉर योर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी एंड अपस्किलिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। ज्यादा डिफिकल्ट लाइंस नहीं बोले, बोलो। I feel I have a एक्सपीरियंस, requisite experience in a field that may mention in a JD, and as I am a fresher, I wanted to upskill my knowledge for my overall long term growth, and I will give my 100% to the company and will help in the growth of the company. ठीक है। आई हैव द रिक्विजिट स्किल एंड एक्सपीरियंस, ओके। व्हाट आर योर 5 इयर्स प्लान्स, What? Sorry, sir. व्हाट आर Again. योर 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान्स।
5 years. In the 5 years, I want to upskill my professional knowledge and wanted to and wanted to have exposure in a field exposure in a field of costing, accounting, and taxation, and to be a well-versed professional, and always to be a person with some challenging situation and on the team. Next. Next, what is BRS? There is a bank reconciliation statement which is prepared to reconcile the bank book and cash book. What is the reason for the BRS? Reason for a BRS is if what happened, we recorded in with any invoice rates, we record in invoice in our accounting system, but amount is not received in a bank actually. That's why there is a difference between a bank book and a cash book maintained by us, and that's why we record. So sometime what happens, some hidden charges debited by bank, and we will not aware about that. That's why there is a requirement of BRS to reconcile bank book cash book. ठीक है. What is the golden rule of accounting? There are three golden rules of accounting: nominal account, real account, and personal account. In the nominal account, we debit the expenses, losses, and gains, and credit expenses, debit the expenses and losses, and and credit the income and gains. In a personal account, would be debit the receiver and credit the giver. In the real account, we debit what comes in and credit what goes out. That's all. Golden rule of accounting. What is the journal entry of bad debt? Bad debt generally is bad debt account debit to if we prepare accumulated bad debts reserve, then we credit it bad debts account debit to accumulated debt bad debts account and provision for bad debts account, and if we didn't prepare bad debt and bad debts account debit to account receivable account, and then it posted to the profit and बैड loss डेट का account. देख लीजिए, ये नहीं है. बैड डेट का क्या होता है? जर्नल एंट्री. निकिता क्या होता है बैड डेट का? बैड डेट टू डेटर होता है. बैड डेट टू डेटर. हाँ, बस हाँ, बैड डेट टू डेटर, पीएनएल टू बैड डेट, ये तो होता है. हाँ, बस काम खत्म. ठीक है, बैड डेट टू डेटर, पीएनएल टू बैड डेट. ओके. What is the difference between unbilled revenue and accrued revenue? In case of unbilled revenue, what happened? We earn the revenue, but we not invoice it. This is unbilled revenue. We didn't prepare invoice. In case of accrued revenue, revenue is due, but we didn't receive it. What is the reason for differences in BRS? Difference in BRS is due to the invoices rates, and we recorded it in our book, but in actually we didn't receive it due to some because if we deposit check in a bank, that takes 3 days to credit in account. That's why there is a difference in bank book and cash book, and that we prepare BRS on the last of the day. What is the Cost of difference the in money. budget and forecast? Budget is a systematic plan. According to this, we require to work. And in case of forecast, we forecast the profit. We forecast the some situation in situation in future. And according to that, we work in current to ये mitigate the बताइए, losses or anything. जो लिखा है ना, यही बताइए जो लिस्ट में लिखा है. ठीक है, चलिए.
और व्हाट इज द मंथ एंड एपी प्रोसेस? सॉरी मंथ एंड एंड एपी प्रोसेस, मंथ एंड एपी प्रोसेस, अकाउंट पेबल प्रोसेस. अकाउंट इन्वेंटरी, अपडेट अकाउंट पेबल्स एंड सिमरन आपको पता है? रिव्यू रिव्यू एपी एंड ऑल दैट थिंग्स. एक सेट देखते हैं. ठीक है, इसको एक गरी पढ़ लेना. ठीक है, लिख लो. ठीक है, व्हाट इज P2P साइकिल? पी टू मीन्स प्रोक्यूर्ड टू पे, इन विच व्हाट हैपन, परचेसिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड इन दैट केस परचेसिंग डिपार्टमेंट इन सर्च वेंडर फॉर दैट स्पेसिफिक मटेरियल एज पर एंड दे ऑर्डर फ्रॉम दैट वेंडर दे ऑर्डर द मटेरियल पी2पी प्रोसेस एंड आफ्टर ऑर्डर जीआरएन इज पीओ पीओ इज गिवन बाय परचेसिंग डिपार्टमेंट परचेस ऑर्डर इज गिवन बाय परचेसिंग डिपार्टमेंट देन इफ व्हेन अ गुड्स रिसीव्ड वी गिव देम गुड गुड्स रिसीव नोट एंड आफ्टर ऑल दैट इनवॉइस इज रेज एंड वी मेक अ पेमेंट What are the After six steps in the after P2P matching cycle? What are the six steps in the P2P cycle? first of all production department first of all production department gives specific material that required for make for production of material then purchasing department search the vendor then after searching vendor they raise purchase order. After purchase order, goods received in warehouse. Then they issue a goods received note, and after all that, and after after and that of invoice is read, then of and that payment is made. वो वाला पढ़ लेना, जो ग्रुप ने दिया ना अभी, वो पढ़ लेना. ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस इन द ऑर्डर टू कैश? ऑर्डर टू कैश नहीं है, नहीं ऑर्डर टू कैश, हाँ. पढ़ रहा है ऑर्डर टू कैश है सर इसमें. वही आपको जो था ना, ये वाला में ये क्वेश्चन था. देखिए इसमें 2 मिनट, ये जो दिए थे इसके ऊपर ही था. देखिए P2P के ऊपर में ये सेंटर, फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर टू कस्टमर पेमेंट. सेल्स ऑर्डर टू ऑर्डर कस्टमर टू कैश पेमेंट, ये 7 पॉइंट है ना, वो ऑर्डर टू कैश का ही है वो. ये ना, इट इज द कंपनीज बिजनेस प्रोसेस फॉर द एंटायर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम. द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टू कस्टमर पेमेंट. हो गया ऑर्डर टू कैश. कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ऑर्डर इज फुलफिल्ड, ऑर्डर इज शिप्ड एंड इनवॉइस क्रिएटेड सेंड टू द कस्टमर. समझे? हाँ है सर. प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन एपीएन एयर ऑर्डर ये पढ़ लेगी निधि आप भी. कैसे. हाँ ठीक है सर, निधि आप भी पढ़ लीजिएगा. निकिता, ये ना ग्रुप में मैं डाल दूंगा. ठीक है. ओके सर. ये ग्रुप से ले लीजिएगा, ग्रुप में डॉक्यूमेंट सेक्शन में रहेगा. ठीक है. ठीक है, आप बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, विच इज गुड, छोड़ रहे नहीं. ठीक है, जो भी आ रहा बोल रहे, बस कुछ ना कुछ तो बोल ही दो. विच इज गुड एक्चुअली. ठीक है, व्हाट इज कंसोलिडेशन? इन केस ऑफ कंसोलिडेशन द बुक्स ऑफ पेरेंट्स कंपनी मर्ज विद द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी मर्ज विद द पेरेंट्स कंपनी केस ऑफ कंसोलिडेशन. व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेशन इज इन इन केस ऑफ कंसोलिडेशन एलिमिनेशन ऑल
parent and subsidiary transaction costs gets eliminated if any loan is given or that things. If any loan given, then parent company recorded as an asset, and in a case of, and subsidiary company recorded as a liability. If we make consolidated statement, then we eliminate these all things. Any purchase or sale transaction also eliminated. Intercompany profit gets eliminated in case of that consolidation. और सतीश को क्या पूछा था आपके हिसाब से? मैं बस उतना ही पूछा था उसका, जो नोट्स था मोटा मैं मोटा उतना ही इस पूछा हाँ तो मैंने मोटा था। मोटा पूछ ही लिया, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा और कुछ होगा तो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? क्या हाँ सर, बोलेगी? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? सर बोल, हाउ इज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ इज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए, ठीक है। आई विल बी हैप्पी टू नो हाउ विल बी हाउ इज द लर्निंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? निधि नोट ऑर्गेनाइजेशन बना लिए ना आपने? हाँ जी निधि, ठीक है। और व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन? एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड रेडी टू टेक व्हाट एवर। एक मिनट, सर जो अभी बोल रहा मैं वाई वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी? एज अ थिंग द जॉब जॉब प्रोफाइल विल हेल्प मी इन फ्यूचर इन माय फ्यूचर ग्रोथ दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी। एंड यार इसका बोलना कि दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए। दिस इज वन ऑफ माय ग्रुप ड्रीम कंपनी आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए। आई हर्ड अबाउट द कल्चर आउट हियर इज गुड, द लोकेशन इज कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है, एंड कल्चर इज गुड एंड वर्क प्रोफाइल इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक रीजन, कल्चर, वर्क प्रोफाइल, लोकेशन इज कन्वीनियंट, ये सब चीज आपको बोल देना है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स गुड, ओके, ठीक है। और आपको लोकेशन पूछेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेर यू बिलोंग फ्रॉम? Currently, I am living in Mumbai, but I have my parents. They are living in Bangalore, so I am comfortable with Bangalore. Now you're in Mumbai. Yes, now I am in Mumbai, but my parents are living in Bangalore. Why you're in Mumbai? Due to study purpose, I am here in Mumbai with my Study grandmother purpose, and why? grandfather. Why study purpose in Mumbai? Grandmother But and father. Because all my domains and all the things are in coming in Maharashtra. That's why I'm here, and my parents are living ये बन रहा नहीं है ना? क्या? नहीं बन रहा है सही? अगरवाल लग रहा नहीं? हाँ मुंबई in में है, बैंगलोर में है, गड़बड़ हो रहा है। आप बोलो, अपड़े में ही है हम अभी। हम एक्चुअली बस कोई काम से मुंबई गया था, कोई मैरिज, फॉर द मैरिज पर्पस, कोई फ्रेंड का मैरिज था वगैरह था, तो उसके लिए हमको एक बार मुंबई आना पड़ा, ठीक है। बैंगलोर में आप कहाँ पर रहते हो? वेरी यू लिव इन बैंगलोर? मैंने नहीं अभी तक प्लेस नहीं मैंने किया। मैं देख एक रहा था तो था प्लेसेस क्या होता है। कोरोमंगलम, कोडामंगलम आईटी पार्क, कोडामंगलम आईटी पार्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इस तरह का बीटीएम लेआउट लिख लो, बीटीएम लेआउट, बीटीएम लेआउट तो करेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका का प्लेसेस बता देना, लेआउट, बीटीएम लेआउट, बीटीएम लेआउट कोडामंगलम, ठीक है, आईटी पार्क, जिधर भी आपका इनका इंटरव्यू होगा निधि, कहीं पर भी इंटरव्यू होगा वहां का ही आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग दिक्कत देगा। तो आपका प्लेसेस वगैरह आप थोड़ा सा पहले से वो कर लेना। कैन यू वर्क ऑन नाइट शिफ्ट? कैन यू यस आई वर्क एम ऑन नाइट शिफ्ट? कंफर्टेबल यस आई एम चलो कंफर्टेबल टू वर्क। इनका कुछ वर्क फ्रॉम होम है ना, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो इनका वर्क फ्रॉम मुंबई है ना, हाँ ठीक है फिर। क्या चीज? वर्क फ्रॉम मुंबई है ना इनका। वो मांगना मत उनसे वर्क फ्रॉम होम, वो अपने आप देगा आपको वर्क फ्रॉम होम जो भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, कैन आई ऐड समथिंग? बोलिए बोलिए। ओके, आई गेस आप जैसे कॉन्सेरो का इंटरव्यू दे रहे थे, उनका जैसे 6 months है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, उसके बाद परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। आप दिया था क्या इंटरव्यू उसका? नहीं मतलब मैंने उनके जॉब का जो डिस्क्रिप्शन आया था तो ओके, उसमें जेडी में ये लिखा था, हाँ लिंक्ड में लिखा था, ये ये हाँ वाले ये जेडी लिंक्डइन में पे मैंने नहीं लिखा, देखा। ओके ये ये वाले जेडी जेडी में में नहीं, लिखा। लेकिन ओके बढ़िया, लिंक्डइन पे हाँ लिंक्डइन पे उन लोगों ने किया है मतलब। चलिए हाँ तो मतलब ठीक
ये चीज मैंने देखी थी कि कॉन्सेरो का 6 months वर्क फ्रॉम ऑफिस है एंड देन परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम वो ऑफर कर रहे हैं। बढ़िया, ठीक, चलिए फिर जय, एक बार आप कर लीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो। ओके निकिता, आप एक बार सेम लिंक में वापस आ जाइए, ठीक है, कम इन टू द सेम लिंक वंस अगेन ना। ठीक है जय। फैमिली होगा।